नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। पूरे दिन में सिर्फ एक प्रैक्टिस 3 बार और हर बार सिर्फ 2 मिनट के लिए। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर आप पूरे 24 घंटे में सिर्फ 6 मिनट 3 बार 2 2 2 मिनट पूरे 24 घंटे में कर लेते हैं ना, जिंदगी बदल देती है ये प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस मैं खुद बहुत सालों से कर रही हूँ, इसलिए ना मैं गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ कि ये प्रैक्टिस जिंदगी बदल देती है। तो आज से ठान लीजिए कि ये प्रैक्टिस को मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 21 दिन नहीं, जीवन का हिस्सा बनाना है। क्योंकि ये प्रैक्टिस है सेल्फ लव से जुड़ी हुई, ये प्रैक्टिस है आपके खुद से जुड़ी हुई, ये प्रैक्टिस है मेरे खुद से जुड़ी हुई, ये प्रैक्टिस है एनर्जी के लिए, हमारी खुद की एनर्जी के लिए, इसकी हीलिंग के लिए, इसकी सेटिस्फैक्शन के लिए, इसकी खुशी के लिए। कभी हम खुद के लिए ये सब कुछ करते हैं तो सिर्फ 6 मिनट पूरे दिन में 3 बार निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रैक्टिस को आपको करना कैसे है। इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको कहीं पर भी कोई आसन वासन लगा करके नहीं बैठना है। आप जैसे ही सुबह सुबह उठें और अपने पलंग से आपने पैर नीचे उतारा, ये प्रैक्टिस वहीं से शुरू हो जाती है। आप इसको चाय बनाते हुए कर सकते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं तो कर सकते हैं, घर में थोड़ा टहल रहे हैं तो कर सकते हैं, वॉक पे जा रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेज योरसेल्फ, अपने आप को प्रेज करना है। कुछ एफर्मेशंस रेडी करिए आप अपने लिए। मैं बेहतरीन इंसान हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं इस दुनिया में कुछ बेहतरीन करने के लिए आया हूँ या आई हूँ, मेरा आज का दिन बेहतरीन है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अपने लिए ध्यान रखिएगा, अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए ऐसी एफर्मेशन जो आपको खुशी देती हूँ वो बोलना शुरू करिए। और एक माला की तरह, जैसे एक माला का जाप होता है ना, उसमें हम कुछ मंत्र करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, वो जाप करते हैं ना, बस वही जाप आपके खुद के बनाए हुए मंत्र, आपकी खुद की बनाई हुई एफर्मेशंस वो देना शुरू करें आप खुद के लिए। ये आपको अपने पलंग से उतरते के साथ में करना है। आप इसे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप उठ गए हैं, आपका उठ करके अभी जाने का मन नहीं कर रहा, आप थोड़ी देर के लिए बेड पे लेटे हुए हैं, तो भी आप अपने आप को ये एफर्मेशंस दे सकते हैं। और जब भी आप ये एफर्मेशन दे रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत जोर जोर से बोल करके देनी है, आप मन ही मन में भी बोल सकते हैं, मन ही मन में ना अपने आप को प्रेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या जोर से ही बोलना जरूरी है, नहीं, फीलिंग डालनी बहुत जरूरी है। आप जो भी एफर्मेशन बना रहे हैं, जैसे कि मैं अमेजिंग हूं, तो वो जो अमेजिंग है ना आप, वो आपको फील होना चाहिए कि आप कितने अमेजिंग हैं। ठीक है, फीलिंग डालनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना फीलिंग के एफर्मेशंस काम नहीं करेंगी, फिर वो ऐसी हो जाएगा कि हम कोई चीज को बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा ही लोग माला के टाइम पे भी करते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग माला का जाप तो कर रहे होते हैं बट दिमाग कहीं और चल रहा होता है, फीलिंग कुछ और चल रही होती है, लेकिन मंत्रों का जाप चल रहा होता है। उसका कोई मतलब होने वाला है? जब आप मंत्र ही बोल रहे हैं ना, तो 4 बोलिए 5 बोलिए 10 बोलिए, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ में बोलिए, पूरी फीलिंग्स को डाल करके बोलिए। ठीक है, तो आपने सुबह अपनी शुरू करी इस चीज के साथ, और 2 मिनट सेट कीजिए आप अपने लिए। 2 मिनट मुझे खुद के लिए बोलना ही है यार, 24 घंटे में से सिर्फ 6 मिनट, वो भी काम करते करते। नहीं निकाल सकते हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, आपने सुबह सुबह के 2 मिनट निकाले। अब जब आपका दिन चल रहा है, अब अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, कैसा भी चल रहा है, आप पूरे दिन के बीच में देखिए कि ये वाला जो समय है, आप अलार्म सेट कर सकते हैं शुरू शुरू में, अगर आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है। और मैं कहूंगी कि करो इस प्रैक्टिस को। ठीक है, पूरे दिन के ना बीच में, जैसे कि मान लीजिए कि पूरे दिन में आपने 4 बजे का समय चुना, यार 4 बजे से 5 बजे के बीच में ना मुझे 2 मिनट की ये वाली प्रैक्टिस करनी है। आप इस प्रैक्टिस को कहीं पे भी कर सकते हो, आपको पता ही है, तो इसके लिए कोई ऐसा नियम तो है नहीं। अब यहीं पर वो सेम टू सेम एफर्मेशन उसी फीलिंग के साथ में आप बोलना शुरू करो, अपने आप को बोलना शुरू करो, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, क्या चीज़ हूँ मैं यार, मैं बहुत ही मैं भगवान जी का बड़ा प्यारा वाला बच्चा हूँ, यूनिवर्स हर वक्त मुझे सपोर्ट करते हैं। इस तरीके की प्यारी प्यारी एफर्मेशंस आप बोलिए। आप अपने लिए खुद एफर्मेशन बनाइए फीलिंग डाल करके, क्योंकि जितनी फीलिंग आप अपने शब्दों में डाल सकते हैं ना, वो किसी और के शब्दों को उठा करके, किसी और के एफर्मेशंस को उठा करके नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने दिन में फिर से बोल लिया, आपके 4 मिनट कंप्लीट हो गए। अब रात को जब आप सोने जाएं, सोने के पहले वही वाली एफर्मेशन या फिर उसमें कुछ अच्छी और एफर्मेशंस को ऐड करके बोलिए, क्या दिन था आज,
मज़ा ही आ गया। अगर कुछ चीज़ें आपके दिन में नेगेटिव भी हुई हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, उसको हटा करके बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं। उसमें से सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये रही है कि आप चल फिर सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो नेगेटिविटी निकालने में आते हैं तो वो ये भी कहते हैं, नहीं पूरे दिन में मैंने एक सांस भी पॉजिटिविटी वाली नहीं ली। तो सांस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वाली नहीं होती है, सांस बड़ी प्योर होती है, वो आपको यूनिवर्स की देन है, तो आप उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। रात को बोलना शुरू करें, क्या बेहतरीन इंसान हूँ यार, क्या दिन था आज, तो मज़ा ही आ गया, मैं मिराकुलस हूँ, यूनिवर्स ने मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया और वो मुझे कल भी सपोर्ट करेंगे, वो तो मुझे हर वक्त सपोर्ट करते हैं। इस तरीके के एफर्मेशंस आप देना शुरू करें रात को, ठीक है। अपने कल के लिए भी आप एफर्मेशन आज ही दे दें, कल का दिन भी बड़ा अच्छा जाने वाला है, कल भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपकी फिर से सुबह शुरू होगी, फिर से आपके वही एफर्मेशन प्रेजेंट में आ जाएंगे, आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है, आज का दिन तो मज़ेदार जाने वाला है, मैं तो बड़ा ही अमेजिंग इंसान हूँ। इससे होगा क्या ना, आप अपने आप को हील करते चले जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि जो हमारा ऑरा होता है, उसके कुछ रंग होते हैं, लाइट्स निकलती हैं, वो तभी होता है जब हम हील होते हैं, जब हम अंदर से वो जो प्योरिटी है ना हमारी, हम उस चीज़ को प्रेज करना शुरू करते हैं। हम कभी खुद को प्रेज ही नहीं करते, हम कभी भी अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं, हमें सिर्फ अपनी विशेज, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी वो जो चीज़ें बाहर हैं, हमारी बॉडी में से बाहर हैं, हमारी आत्मा से अभी परे हैं, उन चीज़ों के बारे में ही हमारी सुबह शुरू होती है, दिन भी पूरा उसी में निकल जाता है, रात भी पूरी उसी में निकल जाती है। इसलिए सिर्फ 6 मिनट अपने आप को दिए जा सकते हैं ना ज़िंदगी बदलने के लिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़े सस्ता सा सौदा है यार ये, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए 6 मिनट कोई बड़ी चीज़ है, बड़ी छोटी चीज़ है, करके देखो, आपको पहले दिन से ना फील होना शुरू हो जाए ना कि वाव अच्छा लग रहा है। लेकिन इसको ना पूरे डेडिकेशन के साथ में करना है, कि मुझे वो जो बीच का टाइम होता है ना, वो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। रात को, फिर आपको सुबह में, फिर आपको दिन में, फिर आपको रात को। तो जब आप ऐसे ऐसे करते हो ना, आप अपनी ज़िंदगी बदल लेते हो। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत सी प्रैक्टिस के लिए, अरे यार अपनी तो तारीफ करनी है, अपने बारे में तो अच्छा बोलना है, क्या नहीं बोला जा सकता, बोल के देखो, बोल के दिखाओ खुद को, और बोलो कि आज तक है ना बड़ा ही खुद के बारे में ये बोल दिया, मेरा तो नसीब ही ऐसा, मेरा तो यही ऐसा, आज के बाद मैंने ये बोलना शुरू किया, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ, मैं अगर यहाँ सांस ले रहा हूँ ना, तो मैं ईश्वर की बड़ी खूबसूरत रचना हूँ, मैं अब अपने आप को महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदरूनी खुशी महसूस करता हूँ या करती हूँ, मैं हर वक्त यूनिवर्स के अंदर एक भरपूरता महसूस करता हूँ और वो मुझे दिखाई देती है, मैं उस भरपूरता के अंदर जी रहा हूँ या जी रही हूँ। इस तरीके के ब्यूटिफुल एफर्मेशंस रेडी करो और बोलो, सिर्फ पूरे दिन के 6 मिनट ना ज़िंदगी बदल जाए तो आप बोल देना, करके देखो और इसे ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करते हैं, कितने दिन करना है, अरे क्या कितने दिन करना है, अपने आप को प्रेस करना है, तो जब तक जिंदा है तब तक प्रेस करना है, सिंपल करो, ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ इसको। मैं बहुत सालों से कर रही हूँ इसको, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये प्रैक्टिस ज़िंदगी बदल देती है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि जब आप अपने आप से ढेर सारा प्यार करते हैं ना, ये चीज़ करनी बड़ी आसान हो जाती है। आई लव यू ऑल, बाय।